नमस्कार सभी को। मैंने इसके पहले कबीर किचन में आपको बताया था कि मक्खन बनाने के बाद जो दूध बचता है उससे दही कैसे जमा सकते हैं, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं पनीर बना के दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इससे पनीर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जब भी मलाई इकट्ठा करें तो इसे फ्रीजर में इकट्ठा करें, क्योंकि फ्रीजर में इकट्ठा करने से वो ख़राब नहीं होगा उसका दूध, और मलाई भी अच्छी ताज़ी रहेगी। वहाँ पे हम आइस जमाते हैं, वहाँ इकट्ठी कीजिए। लेकिन उस वहाँ पे करने से मलाई जो है हार्ड हो जाती है, तो जब भी आपको मक्खन या फिर घी बनाना हो तो उसके 4-5 घंटे पहले इसे निकाल कर रख दीजिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। तो रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे आप जिस बर्तन में आपको घी बनाना हो या मक्खन बनाना हो उस बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए और हाथ से फेंटिए। हाथ से फेंटने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको और भी जल्दी करना है तो आप इसके लिए मिक्सर जार में 30 से 40 सेकंड तक फेंट लीजिए, उसके बाद फिर बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए, फिर हाथ से फेंटिए, तो वो जल्दी हो जाता है। और एक और मैं आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं 1-2 हफ्ते के लिए और आपके घर में दूध बहुत सारा बचा है, उसे क्या करें, तो आप उसे ताज़ा रखने के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। फिर जब आप घर वापस आएंगे लौट कर, तो आप उस जमे हुए दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में फिर से, तो वो ख़राब नहीं होता है कम से कम 1 महीने तक। तो ये एक टिप है। देखिए, इस तरीके से हाथ से फेंटने से दूध अलग हो गया है, मक्खन अलग हो गया है, तो ये बटर जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस बटर को आप 2 से 3 बार पानी, साफ़ पानी से धो लीजिए, और आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे पे रख लीजिए फ्रिज में, और इसे बटर की तरह यूज़ कीजिए। तो आराम से बढ़िया हमारा घर का बटर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन मैं इसका अभी बटर नहीं बना रही हूँ, मैं इसका घी बनाऊँगी, तो इससे आप घी भी बना सकते हैं। तो एक तरफ, और बाकी जो दूध बचा हुआ है उसे हम दूसरे बर्तन पर निकाल लेंगे, उसमें हम उसी दूध से हम पनीर बनाएंगे। तो अलग अलग कर लेंगे दोनों को। आप इसी दूध से आप दही भी जमा सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो एक तरफ ये दूध है और दोनों साइड में पकने रख दिया है मैंने। एक तरफ तेज़ आँच में हम घी पकाएंगे, बटर को पकाएंगे, जिससे घी बनेगा, और दूसरी तरफ जो है दूध बॉयल हो रहा है जिसमें हमें पनीर बनाना है। तो जो दूध उबल गया है इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच विनेगर डालेंगे। मैं अक्सर विनेगर डालती हूँ, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं 2 चम्मच। विनेगर या नींबू का रस डालने के बाद एकदम से नहीं पड़ता है ये, धीरे धीरे करके आप 1 मिनट पकाइए इसे, थोड़ा सा बॉयल होने दीजिए। तो जैसे जैसे ये अच्छे से बॉयल पकता जाएगा तो ये अपने आप ही दूध फटना शुरू होगा, मतलब छेना बनना शुरू होगा। देखिए, ये कर्डल हो चुका है, एक तरफ अलग से छेना बन चुका है, दूध अलग हो चुका है, पानी अलग हो चुका है। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को, और इस तरीके से आप सेटअप तैयार कर लीजिए। इसके ऊपर एक रुमाल या कपड़ा रखिए और इसे छान लीजिए, और जो पानी बचता है उसी से आप आटा गूंथ सकते हैं, और चाहे तो फेंक दीजिए, जो भी आपको यूज़ करना है। और ये बचा हुआ जो छेना है इसे 2 से 3 बार पानी से धो लीजिए, ताकि इसमें नींबू का रस अगर आपने यूज़ किया तो उसकी उसका जो स्वाद होता है या स्मेल वो चले जाए। और इसे अच्छे से निचोड़ कर कपड़े से, और कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर कोई वजनदार चीज़ रख दीजिए, कोई भी हैवी। तो मैंने इसे पानी से भरे हुए बर्तन से रखा है, तो आधे घंटे में ये आराम से बन जाएगा। और इस हमारा जो घी है वो भी बनकर तैयार हो गया है, इसे भी हम कुछ मिनट पकाएंगे, और फिर जैसे ये गुलाबी होने लगे तो गैस बंद कर देंगे, ये अपनी हीट में ब्राउन हो जाएगा। फिर इसे हम छान लेंगे इस तरीके से, और ये जो मावा दिख रहा है ना, ये भी बचा हुआ, ये भी बहुत टेस्टी होता है। इसमें चाहे तो आप शक्कर मिलाकर खा लीजिए, या फिर आप इसकी मिठाई बना लीजिए, या फिर पराठे में पूरन पोई टाइप बना के खा लीजिए। तो दोनों की विधि जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप देखिएगा ज़रूर। और आधे घंटे बाद देखेंगे, कपड़ा निकाल कर देखिए, हमारा पनीर जो है बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया है ये, आप ज़रूर बना के देखिएगा। लेकिन ये इसको आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं पनीर वाली उसमें यूज़ कर सकते हैं ये। लेकिन ये उतना भी सॉफ्ट नहीं होता है जैसा कि हम दूध से बनाते हैं, क्योंकि उसमें हम फुल फैट मिल्क यूज़ करते हैं, और इसमें तो हमने सारा का सारा घी निकाल लिया है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। तो दूध फेंकने के बजाय आप दही जमाएं या फिर पनीर बनाएं,
और अगर आप पूरे दूध को पकाते हैं, बचे हुए दूध को पनीर मक्खन के साथ और घी बनाते हैं, तो जो दूध से मावा बनेगा वो ज़्यादा बचता है, उससे आप मिल्क केक भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।